हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे गेट एग्जाम्स के बेनिफिट लेके आया हूँ इन फिजिक्स कैटेगरी। तो अगर आप लोग यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट हो और गेट एग्जाम्स आपका टारगेट है, मतलब ये उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट एग्जाम दे चुके हैं या जो गेट एग्जाम देने जा रहे हैं। जो गेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि मैं उनको गेट एग्जाम्स के यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट बता दूंगा कि उनको गेट एग्जाम क्यों देना चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम दे दिया है ये उनके लिए कैसे बेनिफिशियरी है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम इन फिजिक्स, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम इन फिजिक्स, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स में गेट एग्जाम्स के क्या क्या बेनिफिट्स। तो यहाँ पे देखो, मैंने ना एक यहाँ पे सीट बना रखी है, मैंने इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आप हेडिंग ही पढ़ सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन। तो पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट अगर बात करें तो हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। अगर आप गेट एग्जाम्स को देते हो, ठीक है, मतलब अगर आप गेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो फिजिक्स में, तो आपको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप बोलोगे सर कितना हायर, एमएससी तो कर लिया यार, एमएससी के अभी एनएससी तो इक्विवेलेंट नर्सरी है। अगर हम बात करें फिजिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इसरो में जाना चाहते हो, आप डीआरडीओ में जाना चाहते हो, आप किसी लेबोरेटरी में रिसर्च करना चाहते हो, तो एमएससी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू नर्सरी। आपको वहां जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, एमएससी क्लियर करने से हो जाता तो सारे एमएससी वाले लग गए होते इसरो में, डीआरडीओ में, लेबोरेटरी में काम कर रहे होते। तो वहां जाने के लिए कुछ एग्जाम्स हमको देने पड़ते हैं, तो उसी में से एक एग्जाम है गेट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप गेट एग्जाम्स को यहाँ पे देते हो तो हम एक मौका पा सकते हैं हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का। तो आप देख सकते हो क्वालिफाइंग गेट ओपन्स डोर टू परचू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लाइक एमई, एमटेक, पीएचडी इन प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब आप इंडिया के जो आईआईटीज होती हैं, एनआईटीज होती हैं, जो रिसर्च लैब होते हैं, उनके साथ जुड़ के आप अपना पीएचडी एमटेक कर सकते हो, और साथ में आप विदेश जाके भी कर सकते हो। इट सर्व्स एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर एडमिशन इनटू वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम, ये है। उसके बाद रिसर्च एंड एकेडमिक कैरियर एडवांटेज, गेट स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय सर्वर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेबोरेटरीज है, जैसे सीएसआर हो गई, जैसे एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, पीआरएल है ना, तो बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जो आपको रिसर्च करने का मौका देती हैं। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स। उसके बाद इट एनहेंस चांस टू सिक्योरिंग टीचिंग पोजीशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। साथ में अगर आप गेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, गेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में या क्या बोलते हैं किसी भी इंडस्ट्री के साथ जुड़कर टीचिंग कर सकते हो। जैसे कॉलेज के साथ जुड़ के टीचिंग कर ली, स्कूल के साथ जुड़ के टीचिंग कर ली, या किसी कोचिंग में जाके पढ़ा लिया, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपकी टीचिंग में भी। उसके बाद है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट। अब गेट एग्जाम दोगे, अब आपने गेट एग्जाम अच्छी रैंक से हासिल कर लिया, आपने सपोज करो एमटेक करने का है, तो भाई एमटेक में भी 12,400 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है अगर आप एमटेक करोगे तो। वहां पर भी गवर्नमेंट आपको लगभग 12,500 रुपए का स्टाइपेंड देती है, और अगर आप पीएचडी करोगे तो नियर अबाउट 35,000 का स्टाइपेंड है आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी इंस्टीट्यूट ऑफर स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप एंड फाइनेंशियली एक्ट टू गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट परसूइंग हायर स्टडीज। बात समझ में आई। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड स्टाइपेंड एंड फेलोशिप फॉर रिसर्च प्रोग्राम बेस्ड ऑन गेट स्कोर। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमने तीन मेजर पॉइंट पढ़ लिए जिसके हिसाब से आपको अपना गेट एग्जाम यहाँ पे देना चाहिए। उसके बाद
करियर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज है ना, जैसे बहुत सारे पीएसयूज होते हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, आपका कोल इंडिया हो गया, आपका इंडियन ऑयल हो गया, क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके पीएसयूज हैं जो आपको जॉब ऑफर्स करते हैं, है ना। तो सर्वर पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूज गेट स्कोर फॉर रिक्रूटमेंट इन वेरियस टेक्निकल पोजीशंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैंने आपको बताया भेल हो गया, IOCL हो गया, HPCL हो गया, NTPTC एसेट्रा आर एक्सेसिबल थ्रू गेट क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये है हमारे पास कंपिटिटिव एज इन जॉब मार्केट। ठीक है, गेट क्वालिफिकेशन एनहेंस क्रेडिबिलिटी एंड कंपिटिटिवनेस इन जॉब मार्केट एक्सपेशली इन टेक्निकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड रोल। इट शो केस ए कैंडिडेट प्रोवाइजिंग एक्सपर्टीज, यहाँ पे आपको दिया गया है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद है ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी। गेट स्कोर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सर्वर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, है ना, फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल स्टडीज, इट ओपन्स एवेन्यू ऑफ कोलैबोरेशन। तो ये सब आपके सामने है। तो मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट बताए हैं कि आपको गेट क्यों देना चाहिए, ये गेट के बेनिफिट्स। सबसे पहले तो आपको हायर एजुकेशन मिलेगा, दूसरा बेनिफिट अगर आप हायर एजुकेशन दोगे आपको फाइनेंशियली यहाँ पे मदद मिलेगी, तीसरा है कि आपको बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज NITs IITs ISC से पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, ग्लोबली आप पहचाने जाओगे, ठीक है। एक तो आपको एज है जॉब मार्केट में, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो तो आप किसी दूसरे से आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, और बहुत सारी पीएसयूज है, भेल गेल हो गया, आपका पावर ग्रिड हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, इंडियन ऑयल हो गया, इसी तरीके से रेलवेज हो गए हैं, बहुत सारे पावर इंस्टीट्यूशन है जो आपको यहाँ पे जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी मेरी, क्या गेट की यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू है, कीप लर्निंग है, और बाय है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।